आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं। ये कहानी है प्रॉमिस की, ये कहानी है एक झूठ की, ये कहानी है बहुत सारे फॉल्स एलिगेशंस की, ये कहानी है हर्षद मेहता की। हर्षद मेहता, कुछ लोग इनको फ्रॉड समझते हैं, कुछ लोग इनको मसीहा समझते हैं, बट हर एक इंसान हर्षद मेहता पे कोई ना कोई अपना ओपिनियन रखता ही रखता है। एंड आफ्टर स्कैम 1992 हर्षद मेहता का टॉपिक तो दोबारा ऐसे फटके खुल गया। 30 साल बाद हर्षद मेहता की वाइफ ज्योति मेहता ने अपनी फाइनली साइलेंस तोड़ी है। उन्होंने सारे अपने प्रूफ्स डाले हैं कि हर्षद मेहता के साथ गलत हुआ था, और ये सब कुछ सारा डेटा अवेलेबल है ऑन www.harshadmehta.in। तो उसी वेबसाइट से जाके मैंने आपके लिए सारे सोर्स इकट्ठे किए हैं और मैं आपको बताऊंगा व्हाट डस ज्योति मेहता हैव टू से। चैप्टर नंबर 1, द प्रॉमिस। अकॉर्डिंग टू ज्योति मेहता, हर्षद मेहता को सुनील मित्तल से कॉल आया, और हाँ ये वही सुनील मित्तल है जो भारतीय टेलीकॉम के प्रमोटर है। उन्होंने हर्षद मेहता को बताया कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर श्री नरसिम्हा राव हर्षद मेहता से मिलना चाहते हैं 4th April 1991 को। तो उसके एक दिन पहले ही 3rd April 1991 को हर्षद मेहता ने इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट पकड़ी, न्यू दिल्ली पहुंचे और हॉलिडे इन में चेक इन किया। अब इस मीटिंग में श्री सतपाल मित्तल थे जो सुनील मित्तल के फादर हैं, सुनील मित्तल थे, सतपाल मित्तल के PA थे, हर्षद मेहता थे, हर्षद मेहता के भाई अश्विन थे, और ये सब गए 7 Racecourse Road इन द मॉर्निंग टू मीट अ प्राइम मिनिस्टर श्री नरसिम्हा राव। उस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने सबको बताया कि हिंदुस्तान की हालत बहुत खराब थी। क्यों? हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे उसमें पैसे बचे ही नहीं थे, पैसे इतने कम थे कि हिंदुस्तान के पास सिर्फ 7 दिन के इंपोर्ट बिल्स के पैसे थे, उसके बाद हमारी हालत भद से बदतर हो जाती। प्राइम मिनिस्टर ने हर्षद मेहता को बोला कि वो चाहते हैं कि हर्षद मेहता एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करे अराउंड स्टॉक मार्केट्स को ऊपर लेके जाए, सो दैट सब बुलिश हो, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, और बाहर की दुनिया को भी दिखे कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। एंड टू कोट ज्योति मेहता, वो ये बोलती हैं, माय हस्बैंड वाज आस्क्ड टू बूस्ट द मार्केट्स एंड अ प्रॉमिस वाज मेड टू हिम दैट ही वुड हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट इन डूइंग सो। बस फिर हर्षद मेहता जब वापस गए बॉम्बे, उस समय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स था अराउंड 1400 पॉइंट्स, He started talking good about the Indian markets. कि Indian markets अच्छा करेंगे। उन्होंने बहुत पॉजिटिव और encouraging interviews दिए कि क्यों हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, हिंदुस्तान में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, यहाँ की कंपनीज चढ़ेंगी। एंड साइड बाई साइड सरकार क्या करी थी, सरकार बहुत मेजर रिफॉर्म्स करी थी, जैसे उन्होंने रुपी को डीवैल्यू किया, जिसके वजह से इकोनॉमी ने और अच्छा परफॉर्म किया, जिसके वजह से मार्केट्स थे 1400 पॉइंट्स, वही मार्केट्स चले गए 2800 पॉइंट तक, मतलब सिर्फ 3-4 महीनों में 130% का रिटर्न। चैप्टर नंबर 2, धोखा। 1991 खत्म हो गया, अब बात करते हैं साल 1992 की। अब अकॉर्डिंग टू ज्योति मेहता, 28 February 1992 हर्षद मेहता के घर और ऑफिस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी, और ये रेड सिर्फ बजट के एक दिन पहले था। बजट था 29 February 1992 और रेड पड़ी 28 February 1992। इस रेड में हर्षद मेहता के सारे कंप्यूटर्स, फिजिकल शेयर्स, सारे फिजिकल रिकॉर्ड्स, और उस समय हर चीज फिजिकल ही होती थी, हर चीज सीज कर ली गई, जिसकी वजह से उनका पूरा स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस पैरालाइज हो गया था। एंड ऑफ कोर्स बजट के पहले पैरालाइज हो गया, जो किसी भी स्टॉक ब्रोकर के लिए बहुत बड़ा धक्का है, बिकॉज बजट के दिन लोग बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। फिर दिन आया बजट का, इस दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो पाथ ब्रेकिंग बजट दिया था, उस बजट के बेनिफिट्स हमारी इकोनॉमी आज तकरीब कर रही है। इंडियन इकोनॉमी को खोल दिया था, FDIs आ सकते थे, फॉरेन कंपनीज यहां आ सकती थी, इंडियन इकोनॉमी वॉज ओपन फॉर द वर्ल्ड, जिसके वजह से आर इकोनॉमी हैज बीन डूइंग वेरी वेरी वेल। बट उस टाइम देखते हैं उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम भी इस बजट को इतना प्रॉमिसिंग तरीके से प्रेजेंट किया गया था कि लोग बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बजट, इसके इमीडिएटली बाद ही कुछ ही दिनों में मार्केट्स 2800 से 4487 पॉइंट्स पे आ गए। इसमें ज्योति मेहता बोलती हैं कि हर्षद मेहता ने कभी मार्केट्स को इंक्रीज करवाया ही नहीं था, ये जो इंक्रीज हुआ था
ये हुआ था बाय द बजट ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह, ही वाज द आर्किटेक्ट बिहाइंड इट। हर्षद मेहता तो कुछ कह ही सकते थे बिकॉज़ उनका सब कुछ तो सीज था। अब दोबारा उनकी आईटी रेट पे आते हैं। उनकी इनकम टैक्स रेट थी ऑफ 90 डेज, फरवरी से शुरू हुई थी और चली थी जून 1992 तक। और इनकम टैक्स रेट के बाद ये कंक्लूड हुआ कि हर्षद मेहता एंड उनकी पूरी फैमिली, उस समय उन्होंने इनकम टैक्स का हाईएस्ट डिक्लेरेशन ऑफ इनकम किया था विच वॉज 100 करोड़। उसके सारे टैक्स पे किए गए थे, जो भी एडवांस टैक्सेस थे सब कुछ पे हुआ था। कोई एविडेंस नहीं मिला, कोई अनअकाउंटेड इनकम नहीं मिली। इसके बावजूद 30 साल तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हर्षद मेहता की पूरी फैमिली को हैरेस किया है और कोर्ट में 1200 केसेस उनके अगेंस्ट दर्ज किए। और इस कहानी में सिर्फ इनकम टैक्स ही विलेन नहीं है, एक और विलेन है द कस्टोडियन। अब जो भी हर्षद मेहता की होल्डिंग्स थी, शेयर थे, जो भी सीज किए गए थे, वो किसी कस्टोडियन के नाम हुए थे। अकॉर्डिंग टू ज्योति मेहता, उस कस्टोडियन ने ब्लू चिप चढ़ते हुए स्टॉक्स को जल्दबाजी में बेच दिया, थ्रू अवे प्राइस में बेच दिया, जिसके वजह से उनकी फैमिली को नुकसान हुआ ऑफ 20,677 करोड़। और जो भी कस्टोडियन को पैसे मिले शेयर्स बेच के, वो पैसे दिए इनकम टैक्स को, बैंक्स को। और ऐसे शेयर्स बेचना ना, ये खुद ही लॉ की वायलेशन है। एंड अकॉर्डिंग टू ज्योति मेहता, 25 साल बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड कस्टोडियन कोर्ट के सामने कुछ भी प्रूव नहीं कर पाए। चैप्टर नंबर 3, झूठ। अब इस कहानी में एंट्री होती है मिस सुचिता दलाल की। सुचिता दलाल ने हर्षद मेहता पे पूरा आर्टिकल लिखा ऑन 22 अप्रैल 1992, और सिर्फ एक दिन बाद ही ये आर्टिकल पब्लिश हो गया टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइंस में ऑन 23 अप्रैल 1992। आर्टिकल में क्या लिखा था, द बिग बुल, हर्षद मेहता को नेम नहीं किया था, द बिग बुल हैज टू क्लियर ऑफ सिक्योरिटीज विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफ ₹500 करोड़। नाम नहीं लिया था, बट इट वॉज क्वाइट ऑब्वियस कि वो किसकी बात कर रही है। अब अकॉर्डिंग टू ज्योति मेहता, ऑन 22 अप्रैल 1992 जब सुचिता दलाल ने ये स्टोरी लिखी थी, उस समय देयर वाज नो अमाउंट जो हर्षद मेहता को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देना था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने ये भी बोला 11 अप्रैल 1992 तक देयर वाज नथिंग जो उनको पे करना था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, और जो पहले पे करना था 616 करोड़, वो हर्षद मेहता पहले ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पे कर चुके थे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस आर्टिकल के बाद जो चेयरपर्सन थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उस समय के, उन्होंने खुद ये ओपन स्टेटमेंट दिया था कि रिकंसिलेशन में प्रॉब्लम थी, बट अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, कंफ्यूजन हट गई है, कोई आउटस्टैंडिंग ड्यूज नहीं है जो हर्षद मेहता को हमें देने हैं। इसके बावजूद सुचिता दलाल ने ना अपॉलोजी मांगी, ना स्टोरी वापस ली, ना ही राइट फैक्ट्स को पब्लिश किया, एंड शी कंटिन्यूड दिस फॉल्स स्टोरी अगेंस्ट हर्षद मेहता। चैप्टर नंबर 4, हेल्प मी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने, CBI ने हर्षद मेहता के अगेंस्ट केस रजिस्टर किया और उनको 54 डेज के लिए जेल कस्टडी में लाया गया। अब जेल में ही अराउंड 7 PM हर्षद मेहता को बहुत स्ट्रॉन्ग पेन होने लगा, अक्यूट पेन इन द चेस्ट। उन्होंने चिल्लाया फॉर हेल्प कि हेल्प करो, जेल अथॉरिटीज को चिल्लाया हेल्प करो। और उनके साइड वाले सेल में उनके भाई भी थे उनके साथ, सुधीर, वो हर्षद मेहता को सुन सकते थे बट देख नहीं सकते थे। हर्षद मेहता ने बहुत पैनिक क्रिएट किया, हेल्प चाहिए, हेल्प चाहिए। जेल के डॉक्टर्स आए उनके पास, बट उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हो रही है, और अगर उनको हार्ट अटैक जिनको लग रहा था, उनके पास उसकी दवाई भी नहीं थी। यहाँ पे फिर हर्षद मेहता ने बोला कि उनकी वाइफ ज्योति मेहता ने एक इमरजेंसी किट बना के दिया था जेल के लिए। उस किट में दवाई थी सॉबिट्रेट, वो दवाई अगर उनको मिल जाए तो उनकी सिचुएशन बेटर हो सकती है। ज्योति मेहता बोलती हैं कि ये हर्षद मेहता की शार्पनेस थी, विदाउट इवन हैविंग दैट प्रॉब्लम को सेंस हो गया था कि प्रॉब्लम आ रही है, उन्होंने वो दवाई मांगी। अब उस दवाई खाने के बाद प्रॉब्लम कुछ टाइम के लिए टल जाती है, बट आपका हॉस्पिटल जाना जरूरी है। हर्षद मेहता बोलते गए हॉस्पिटल ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, किसी ने नहीं सुनी। 11 बजे फाइनली उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए अग्री किया गया, जब उनकी हालत भद से बदतर हो रही थी, दवाई का इफेक्ट लूज हो रहा था, एंड उनको थाने हॉस्पिटल ले जाया गया, और ले जाने के लिए गाड़ी भी नहीं थी, वो चल के गए। 11:10 वो थाने हॉस्पिटल पहुंचे, इतनी खराब एक पेशेंट की जिसको हार्ट की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। 11:10 को जैसे ही हॉस्पिटल में हर्षद मेहता व्हीलचेयर में बैठे, वो वहां कलैप्स किए एंड हर्षद मेहता पास्ट अवे। सिचुएशन इतनी खराब थी कि जो सुधीर मेहता उनके भाई थे, उनको ये भी नहीं पता था कि हर्षद मेहता को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। जब हर्षद मेहता नहीं रहे, उसके बाद उनको बताया कि आपके भाई नहीं रहे। पूरी फैमिली हॉस्पिटल में भागते भागते आई,
डॉक्टर्स उनको बस थोड़ा कुछ ही बता पाए। ज्योति मेहता बोलते कि आई विश ऐसा किसी के दुश्मन के साथ भी ना हो। पूरी नेग्लिजेंस हुई बाय द जेल अथॉरिटीज, उनके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया और ना ही उनको उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। चैप्टर नंबर 5 एलिगेशंस। 992 में जब मार्केट्स नीचे क्रैश किए, पूरे क्रैश को हर्षद मेहता क्रैश का नाम दे दिया गया एंड हर एक इन्वेस्टर हर्षद मेहता को ब्लेम करने लग गया कि उनके वजह से उन्होंने स्टॉक मार्केट्स में पैसे खोए हैं। और ज्योति मेहता बोलती हैं ये बिल्कुल गलत है। अकॉर्डिंग टू ज्योति मेहता, हर्षद मेहता हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते थे और सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही चाहते थे। बिकॉज ऑफ दिस हर्षद मेहता ने उस टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स MBAs की पूरी टीम रखी रिसर्च करने के लिए टू फाइंड आउट द बेस्ट कंपनीज जो आगे जाके अच्छा करेंगी ही करेंगी। और इसको प्रूव करने के लिए ज्योति मेहता बोलती हैं कि हर्षद मेहता के दो फैमिली मेंबर्स थे, सबसे पहला श्रीमती रसीला मेहता जो हर्षद मेहता की मदर थी एंड श्रीमती रीना सुधीर मेहता जो उनके भाई सुधीर मेहता की वाइफ थी। वो बताती हैं जो इनकी इन्वेस्टमेंट्स की गई थी उसी स्टडी पे की गई थी। रीना मेहता की इन्वेस्टमेंट्स इन 2003 उनकी वैल्यू थी 42.17 करोड़, 2007 में उनकी वैल्यू हो गई 197.26 करोड़, 2011 में उसी पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई 353 करोड़। जो श्रीमती रसीला मेहता के स्टॉक्स थे 2003 में उनकी वैल्यू थी 48.17 करोड़, 2007 में यही स्टॉक्स हो गए 243.54 करोड़ और यही स्टॉक्स 2011 में 413 करोड़ के हो गए। ज्योति मेहता ये बोलती हैं कि ये सारे स्टॉक्स उसी बेसिस पे चूज किए थे और आज तक ये स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, विच प्रूव्स कि हर्षद मेहता कभी भी नॉन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते थे। अकॉर्डिंग टू हर ये पूरा पैनिक क्रिएट किया गया था बाय सुचिता दलाल, बाय फॉल्स स्टोरीज, बाय फॉल्स क्लेम्स, फॉल्स एलिगेशंस, और चीजें रीचेक भी नहीं की गई थी। जब चीजें सच्चाई सामने बाहर आई थी तभी भी प्रिंट नहीं किया था, जिसके वजह से देयर वाज अ कंप्लीट पैनिक इन द एंटायर मार्केट्स, जिसकी वजह से द मार्केट्स केम डाउन, नॉट बिकॉज ऑफ हर्षद मेहता। दोस्त, स्टॉक मार्केट्स में एक उसूल होता है, अगर आप किसी के इन्वेस्टमेंट्स में हेल्प कर दो ना, जब तक उनका प्रॉफिट हो रहा है वो स्मार्ट है कि उन्होंने आप पे भरोसा किया, वो बस स्मार्ट वो है। और जब उनका नुकसान हो जाए गलती सारी की सारी आपकी है। शायद ऐसा ही कुछ हर्षद मेहता के साथ हुआ, जहां पे हर्षद मेहता इतने न्यूज में आ गए कि हर बुल हर शेयर का बढ़िया क्रेडिट भी उनको मिलता गया और लोग सोचे देखा हम कितने स्मार्ट थे, हमने हर्षद मेहता पे यकीन किया। और जब थिंग्स टर्न साउथ, सब ने हर्षद मेहता को स्केपगोट बना दिया, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो लोग हो, चाहे वो मीडिया हाउसेस हो। सच्चाई क्या है ये हमें कभी पता नहीं चलने वाला, बट एक चीज जो पता चली है कि हर्षद मेहता केस इतना सिंपल नहीं है जो हम सोचते हैं। मेरे लिए हर्षद मेहता वॉज नेवर अ पर्सन टू लुक अप टू, बट आफ्टर टुडे मेरा ओपिनियन डेफिनेटली चेंज हो गया। दिस वॉज द हर्षद मेहता स्टोरी।